So hello students, welcome to the second lecture of construction material for chapter timber and wood waste products. ठीक है, जैसे कि हम timber के बारे में पढ़ रहे थे तो इसकी definition के बारे में. ठीक है, timber हमारे को कहाँ से प्राप्त होता है, तो वृक्षों से. ठीक है, जितने भी वृक्ष हमारे ठीक है ग्रोथ करते हैं या उनके जितना भी उनका स्ट्रक्चर जो है अपर लेवल पर होता है तो वो क्या कहलाता है, टिम्बर या ठीक है ट्रीज. ठीक है, टिम्बर तो ये है ना, अलग अलग प्रकार के जो है स्ट्रक्चर से जो है तैयार होते हैं. ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ टिम्बर्स अपना सोर्सेज ऑफ टिम्बर्स कौन कौन से सोर्सेज होते हैं. सबसे पहले हमारे जो सोर्सेज है, मेन सोर्सेज जो है हमारा पेड़ है या ट्रीज ब्रिक्स वगैरह है. ठीक है, द टिम्बर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ trees. ठीक है, there are different types of trees. There are different types of trees in the nature. ठीक है, प्रकृति के अंदर अलग अलग प्रकार के जो वृक्ष जो है पाए जाते हैं. ठीक है, ऑल्सो देयर ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर varies. इस पर डिपेंड करता है, विद डिफरेंट कंडीशन, विद डिफरेंट कंडीशंस. ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो कंडीशन में जो रहती है, देयर फॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी, इट इज important to study the nature of trees for understanding. ठीक है, समझने के लिए इसमें जो नेचर को जो तो पेड़ों के सारा दिया जाता है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर. ठीक है, तो इसको जो स्टडी करने के लिए, इसको जानने के लिए जितना भी हमें जो है उसकी प्रॉपर्टी और क्लासिफिकेशन के बारे में जानना जरूरी हो जाता है. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या रहता है इसका भाई, स्ट्रक्चर हो गया टिम्बर, टिम्बर है ट्रीज, ये था सोर्सेज ऑफ टिम्बर के बारे में. नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर, तो क्या स्ट्रक्चर रहता है इसका, स्ट्रक्चर ऑफ ए टिम्बर
टिम्बर और ट्रीज। ठीक है, द टिम्बर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज टिम्बर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज एंड फ्रॉम ट्रीज विच आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है, जो कि एक जीवित ऑर्गेनिज्म के हिसाब से रहते हैं। ठीक है, द ट्रीज पैसेस थ्रू ट्रीज पासिस थ्रू थ्री स्टेजेस आई यूथ मैच्योरिटी एंड ओल्ड स्टेज यूथ मैच्योरिटी एंड ओल्ड स्टेज। ठीक है, जैसे कि बच्चा, ठीक है, बच्चा पैदा होता है, ठीक है, युवा होता है, उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार से वृक्षों को भी पहले जो युवा युवा वर्ग आता है, ठीक है, पहले युवा युवा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, या मैच्योरिटी आती है उसके अंदर, या अच्छे से जो है फल फूल जाता है, ठीक है, उसके बाद वो जो है डूब जाता है या बूढ़ा हो जाता है, ठीक है, काफी साल के बाद। टिम्बर इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग, ठीक है, तो टिम्बर कहां से प्राप्त होता है, इसकी कटिंग से। टिम्बर इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग, किसे कटिंग द मैच्योर ट्री मैच्योर ट्री। ठीक है, तो वो बच्चे से नहीं लेते, ठीक है, टिम्बर कहां से प्राप्त होता है, मैच्योरिटी, जब इसके अंदर अच्छे से मैच्योरिटी हो जाती है, ना ही ओल्ड से लेते हैं, ना ही यूथ से, ठीक है, जब अच्छे से जो पक जाता है या अच्छे से जो वो इसका भी बन जाता है कि वो किसी को